सो ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, तो क्या क्या ब्रांच होता है होम्योपैथिक फार्मेसी का? तो पहला ब्रांच हो जाएगा गैलेंशियल फार्मेसी। सो गैलेंशियल फार्मेसी मतलब क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रूड मेडिसिंस एज डायरेक्टेड बाई गैलेन, अ ग्रीक फिजिशियन। सो देर विल बी एक्सट्रैक्शन, निकाला जाएगा और उसका एप्लीकेशन होगा किसका? क्रूड मेडिसिंस का, क्रूड मेडिसिंस। और कौन डायरेक्ट किया था इसको, कौन बताया था? गैलेन। और गैलेन क्या था? एक ग्रीक फिजिशियन था। सो ये होता है गैलेंशियल फार्मेसी, ये पहला ब्रांच है। सेकेंड ब्रांच इज फार्मेसी प्रॉपर। तो फार्मेसी प्रॉपर में क्या क्या आएगा? ऑफिशियल फार्मेसी, एक्सटेम्पोरिनस फार्मेसी। तो ऑफिशियल फार्मेसी मतलब क्या होता है? तो ऑफिशियल फार्मेसी मीन्स प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिंस इन लार्ज स्केल इन होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। जो लार्ज स्केल होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या लेबोरेटरीज होते हैं वहाँ पे जो मेडिसिंस प्रिपेयर होती है उसे कहते हैं ऑफिशियल फार्मेसी। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सटेम्पोरिनस फार्मेसी? सो इट इज़ द डिस्पेंसिंग एंड सर्विंग ऑफ मेडिसिंस एट डिस्पेंसरी लेवल एज पर फिजिशियंस प्रेस्क्रिप्शन। जो फिजिशियन, जो डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन देता है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्पेंसिंग होता है, जो मेडिसिन डिस्पेंस किया जाता है, दिया जाता है, सर्व किया जाता है डिस्पेंसरी लेवल पे, लोकल लेवल पे, उसे एक्सटेम्पोरिनस फार्मेसी कहते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो ब्रांचेज होती है, गैलेंशियल फार्मेसी एंड फार्मेसी प्रॉपर। फार्मेसी प्रॉपर की दो ब्रांच होती है, ऑफिशियल फार्मेसी एंड एक्सटेम्पोरिनस फार्मेसी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।